कर नहीं जाता, आजकल का प्यार यहीं तक साथ देता है, लड़कियों को पाप के दरवाजे तक लाके छोड़ देता है। तुझे कुएं में धकेलने वाला कभी चैन से ना बैठ सकेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, जरूर ढूंढ लूंगा। एक्सीडेंट हुआ तभी से बेहोश है, 3 महीने बीत गए, मुझे उम्मीद है जल्द होश में आ जाएगा। कुछ पता चला उसका? सर नीचा होगा, आबरू नीलाम होगी, और क्या होगा। मैं तो कहता हूँ अपनी इज्जत की अर्थी उठने से पहले सीमा को फिर से कुएं में धकेल दो। ये क्या कहते हो? तो फिर मुझे कुएं में गिरा दो। मेरी ममता का ख्याल करो, मैंने जिसे जन्म दिया है उसका जन्म मैं बिगड़ते नहीं देख सकती। भगवान के लिए सीमा को बचा दो, मुझे माफ कर दो। समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा, मैं उसका मुंह देखूंगा तो दुनिया मेरा मुंह ना देखेगी। ये धब्बा उसके जीवन से धुलने वाला नहीं, धुलने वाला नहीं, धुलने वाला नहीं। धुल सकता है, तुम चाहो तो कुछ भाग मिटा सकते हो। वो पंचकनी वाले डॉक्टर जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, वो हमारी इज्जत जरूर बचा देगा। नहीं नहीं, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए मेरी बच्ची की जवान पुस्तक का मैं तुमसे सीमा की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। दिन गुजर गए तो उसके जीवन में हमेशा के लिए रात आ जाएगी, हमेशा के लिए रात आ जाएगी, हमेशा के लिए। सीमा! नहीं नहीं, उठो नहीं। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे? बाद में बता दूंगा। लेकिन डॉक्टर, मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ इसका भी पता चल जाएगा। नर्स, नया इंजेक्शन शुरू कर दो। 12 जून, 3 महीने। गजब हुआ डॉक्टर, मैं इसी वक्त जाऊंगा सीमा के पास। तुम नहीं जा सकते, इलाज की सख्त जरूरत है तुम्हें। नहीं डॉक्टर, सीमा को मेरी सख्त जरूरत है, उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, जाने बेचारी पर क्या गुजरी होगी। मुझे जाने दो डॉक्टर, मुझे जाने दो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, मुझे जाने दो डॉक्टर, मुझे जाने दो डॉक्टर, मुझे जाने दो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर।
सीमा दरवाजा खोलो सीमा, मैं दीपक हूँ, तुम्हारा दीपक, मैं आ गया हूँ। सीमा दरवाजा खोलो, सीमा। भैया भैया भैया, ये लोग कहाँ गए, किधर गए, तुम्हें कुछ मालूम हो तो बतलाओ। मुझे कुछ नहीं मालूम, सुना है शहर ही छोड़कर चले गए। शहर छोड़कर चले गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं रामलाल, ये कभी नहीं हो सकता। समाज, धर्म, कानून और फिर खुद मेरा अपना प्रोफेशन इस बात की इजाजत नहीं देता। डॉक्टर जिंदगी देता है, लेता नहीं। डॉक्टर, मेरे लिए सिर्फ दो आसरे, एक तुम्हारा और दूसरा मौत का। तुम्हारा दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया, अब तो सिर्फ मौत का दरवाजा खुला है। हिम्मत से काम लो रामलाल, भगवान की मर्जी के सामने इंसान झुकना ही पड़ता है। मगर डॉक्टर, ऐसे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन दोस्त के नाते मैं सब कुछ कर सकता हूं। सीमा मेरी ही बेटी है, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा, मैं उसे अपना बच्चा बना लूंगा। वो तुम सबके लिए मर जाएगा, मगर मेरे लिए जिंदा रहेगा, सिर्फ मेरे लिए। डाली डाली, न जाने क्यों दुखती है।
मेरी कोशिश नाकाम गई। मुझे अफसोस है कि बुढ़ापे का सहारा मुझे नहीं मिला। बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर डॉक्टर आपने झूठ क्यों कहा? वो झूठ उस सच से अच्छा होता है जो आग लगाने के बजाय आग बुझा दे। माँ की नजर से दूर होकर बच्चा हमेशा उसके दिल के करीब ही रहता है, मगर माँ की ममता। इसीलिए मैंने सीमा के सीने से माँ का दिल निकाल दिया है। अब वो एक लड़की है, अनविवाहित औरत है। अभी उसे बहुत जीना है। नर्स, जहां पहुंच कर सीमा की जिंदगी खत्म हो गई थी, मैंने वहीं से उसकी जिंदगी शुरू कर दी। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है दूसरा कोई न करता। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है? जाओ अपने काम काज में लग जाओ। मुझ पर भरोसा रखो, यह राज मेरे साथ मेरी चिता पर जाएगा। बेटी यह दुनिया बड़े धोखे की है। यहां इंसान ठोकर खाकर संभलता है। जो भूल हो चुकी है उसे तो भूल जा। कल की सीमा मर चुकी है, आज नई सीमा ने जन्म लिया। जा हंसते खेलते अपने नए जीवन का स्वागत कर। छोड़कर रोने लगा। भाई मेहताब कहाँ हो? ये क्या आया? अरे बचपना याद आ गया, ये तो दूध है। क्या कहते हैं वो कड़वट है ना, मेरे मुंह में दूध हो शक्कर। क्यों खाना कबाई कल करते थे? कमाल हो गया, 6 महीने की पूरी कर डाली। एक नंबर का डॉक्टर बन चुका हूँ। अरे आजकल तो दांत देखकर तकदीर बताता हूँ। अच्छा तुम दूध कैसे पीना शुरू कर दिए? अरे बच्चा यार कमाल कर दिए, 6 महीने में शादी और बच्चा। नहीं भाई मैंने शादी वादी नहीं की है। चल बगैर शादी का बच्चा? नौजवान गलती करते हैं और बूढ़े भुगतते हैं। बस अब समझ ली ये मेरा ही बच्चा है। ओह समझा समझा। इसकी माँ कहाँ है? उससे कह दिया कि तेरा बच्चा मर चुका है, ताकि बच्चे की छाया हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत दूर की सोचते हो यार तुम, ये क्या कर रहे हो? अरे ऐसा दूध नहीं पिलाते यार। कैसे? हेलो मैं 2 बच्चे का बाप। कोई दूसरी पतलून है? वो ठंडा ठंडा लगता है यार। माँ
एक दुल्हन का सिंगार मुझे शोभा नहीं देता। ये कलियां हैं मगर सिंगारियां बनकर मेरे जिस्म को जला रही हैं। ये मेहंदी नहीं है माँ, औरत के विश्वास का खून मेरे हाथों में लगा हुआ है। जरा खेत से काम दे बेटी। आज धीरज का पल्लू मेरे हाथ से छूट गया। कहाँ जा रही है? अपने होने वाले पति के पास। मैं उन्हें अंधेरे में रखना नहीं चाहती। मैं बता दूंगी, इन फूलों में कोई खुशबू नहीं, ये हार कच्चे धागे में गुंथी हुई। ये क्या कह रही है बेटी? मैं उसे कह दूंगी, ये सुहाग की चुड़िया मोच खाई हुई कलाई में पड़ी, इन गहनों में खोज है, मिलावट है। मैं उन्हें अपनी आंखें दिखा दूंगी माँ, जिनमें गुनाहों का काजल लगा हुआ। तब तो तुझे कुछ नहीं देगा, न पति न घर गृहस्थी। मर्द का दिल औरतों के लिए बहुत छोटा होता है बेटी, सदा के लिए तेरा जन्म बिगड़ जाएगा। मैं उन्हें धोखा दे गई, खुद धोखा खा जाऊंगी। यहाँ के मेरे पड़ गए तो मेरा जीवन हमेशा के लिए भंवर में फंस जाए। मैं अंगारों पे चलूंगी, तूफानों में खड़ी रहूंगी, मैं कहां तक आज संभालती रहूंगी माँ? मुझे जाने दे, मेरे जीते जी तू नहीं जा सकती। पहले मेरा गला घोट, फिर चली जा, तुझे मेरी लाश पर से मारना होगा। माँ तू मुझे जाने दे, माँ तू मुझे जाने दे। अपने सवाल बंदर का नाम, बंदर का ये दो, ये दो। दवा पी लो, दवा। अब दवा की जरूरत नहीं, मेरा वक्त आ गया है। क्यों घबराते हो यार, ये दौरा तो तुम्हें हमेशा पड़ता है। मुझे किशन का ख्याल परेशान कर रहा है। किशन का क्यों? उसका कोई नहीं इस दुनिया में है। मैं तुम्हारे हाथों उसका भार सौंप देना चाहता हूँ। कैसी बातें करती हो, किशन जैसा तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए भी है। घबराने की कोई बात नहीं, सो दवा पी लो। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे लो। मेहता, मेहता, है ना बेचारे, वो चल बसे। ये बच्चे तो उनकी बहुत जान थी। हाँ, वो तो चल बसे और अपनी बला तुम्हारे गले डाल गए। ना बाबा ना, मेरे पहले दो बच्चे हैं, उन्हीं का करते धरते सूख कर कांटा हो गई हूँ, ये तीसरी बला मुझे नहीं चाहिए। ओहो भाई, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश, वो कहलत है ना। हाँ, मानना मानना तेरा मेहमान, ना इसके माँ बाप का पता, ना जात पात का पता, ना इस... अरे अरे अरे, इसकी दांत न देखो, इसके दांत देखो, दांत कितना भगवान बच्चा है। दुर्गा, आज तक तो तुम कर्ज लेती थी, अब कर्ज देना शुरू करोगी। इसे यहाँ का लिटाया है, ये मेरे सुंदर की जगह है। अरे अरे अरे, नो 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 बेटा, नो नो मेरा बच्चा, नो नो नो, तू जमीन पे नहीं सोएगा बेटे, तू मेरी आंखों पे सोएगा। इतना दिन चढ़ाया और अभी तक सो रहा है, घर में नहुसत चलाता है, है? सारा दिन खाता है, पीता है, खेलता है, सोता है। मैं कहता हूँ, अरे 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 अरे, अरे ये क्या कर रही हो दुर्गा? ये कान उखड़ने वाला नहीं, तीन साल से कोशिश कर रही हो, वही कहवत हुई कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, है?
जाए जाके झाड़ू दे, चल चल जल्दी यहाँ से। अरे दुर्गा, जितना खिलाती हो उतना निकाल भी तो लेती हो। अरे ये बंजर जमीन है, इसमें कितना ही पानी डालो पर घास उगने वाली नहीं। तुम क्या जानो घर गृहस्थी की गाड़ी चलाना, खर्चा एक मील आगे निकल चुका है और आमदनी वही की वही जमी हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने कहा डॉक्टर खन्ना। अरे खेत में पानी डालने के लिए आदमी आ गया, खन्ना खन्ना पागल हो गया क्या? यू आर मैड। अरे भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, जिगरी दोस्त मिर्जा, यू आर बुजम फ्रेंड मिर्जा साहब। अरे माफ करना। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? भाई मैं भी क्या करूँ, छह महीने तक किसी पेशेंट का मुंह तक नहीं देखा। मिर्जा साहब हमारे मोहल्ले में ये दांत की बीमारी नहीं है क्या? अरे भाई रहेगी कहाँ से, तुमने तो सारे मोहल्ले वालों के दांत उखाड़ कर फेंक दिए, ना दांत रहे ना सुसरे मरीज। मिर्जा साहब अब मैं इस पंचगनी से तो तंग आ गया हूँ, अल्लाह के लिए मुझे बम्बई भिजवा दीजिए। अरे मुन्ना अगर हमने तुम्हारे बम्बई जाने का इंतजाम कर दिया तो तुम हमें क्या इनाम दोगे? What will you give enterprise? मिर्जा साहब यस, ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे बम्बई भेजेंगे? ओ यस बाय ऑल मीन्स, मैं आपको छह महीने तक हल्ला खिलाता रहूंगा। आप देखा इसमें भी बिजनेस, तुम मेरे क्या दांत खराब करना चाहते हो? यू वॉन्ट टू स्पाई हैंडसम टीथ। मिर्जा साहब मैं आपको बड़े शक्कर का हलवा खिलाऊंगा। और भाई मुन्ना ये एड्रेस हमने तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास डेकोरेटेड फर्निश फ्लैट का बंबई में इंतजाम कर दिया। मिर्जा साहब बगैर पगड़ी? ओ यस विदाउट पगड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। मिर्जा साहब यह जी चाहता है कि आपके दांतों को चूम लो। ओ यस मेरे ख्याल से गुड वेरी गुड वेरी गुड। दांतों का जमाना परे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना। दांतों का जमाना प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना। दांतों का जमाना के तोते उड़ गए होते, दुख का जो होता प्यारे तेरा कोई जपड़ा, तकिया भिगोते भूखे ही सोते, खींच के मारे होता घर वाली से झगड़ा, बैठे न रहते रह रह के कहते जल्दी बुलाओ खन्ना कहाँ है। दांतों का जमाना प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना। दांतों का जमाना पूरी पकौड़ी खस्ता कचौड़ी, दांत बिना ये तुझे दो कौड़ी के लगते, गन्ना न चुसता भुट्टा न चपता, माल के रहते दाने दाने को तरसते, तुम पुलाते दौड़ते आते दांत बनाएंगे खन्ना कहाँ है। ओए दांतों का जमाना प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना। दांतों का जमाना का मुखड़ा कहता है दुखड़ा, आपकी अकलदार कब से डोल है, मैं इसको खींच लूं ठंडक से सींच दूं, दर्द ना होगा मेरा नुस्खा अनमोल है, दुख से ना ऐठिए कुर्सी पे बैठिए, बैठिए जनाब
दुख से ना ऐठिए कुर्सी पे बैठिए, कहाँ गया रोगी कहाँ गया रोगी, खन्ना यहाँ है। अरे गन्ना, तेरी किस्मत चूस ले गई है गन्ना। नहीं दुखेगा। जय दुर्गा माई। दुर्गा माई, मुझे कोई मोह माया नहीं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, घोड़े गाड़ी नहीं चाहिए, बस सिर्फ मेरी इतनी प्रार्थना है कि शहर के सारे आदमियों को दांतों की बीमारी हो जाए। जय जय दुर्गा माई, दुहाई दुर्गा माई दुहाई। अरे अरे, तू कहाँ घुसा आ रहा है, है? दूर हो जा, दूर हो जा। देख देख, याद रख, कान खोल कर सुन ले, कभी इस कमरे की दहलीज से पाँव मत रखना, समझा? ये दुर्गा माई का कमरा है और अपनी छाया तक पड़ने नहीं देना, समझा कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, देख ये सब जाके प्रसाद दे दिया और कहना कि ये वो जो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर खन्ना साहब, दांतों के डॉक्टर, उनके घर से लाया हूँ, उन्होंने भेजा है, देख सबके घर में देके आना, समझा? भूलना नहीं, चल जल्दी जा, जल्दी जा। जय जय दुर्गा माई, जय। कौन हो तुम? मैं हूँ, प्रसाद लाया हूँ। आओ अंदर आ जाओ। बैठो। नहीं, मुझे अभी टाइम नहीं है, और कहीं जाना है। बैठो तो। ओहो, किसके पास से प्रसाद लाए हो? सामने वाले मकान से, वो जो दांतों के डॉक्टर है ना, वहाँ से। दांतों के डॉक्टर? हाँ, वो सबके दांत निकाल देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किशन। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम, मेरा नाम भाभी जी। इतने बड़े नाखून तुम्हारी मां से नहीं काटते? मेरी मां नहीं है। मैं काट दिया करूंगी। हाँ सीमा, ये किससे बातें कर रही हो? अपने नए पड़ोसी से। भाभी जी, ये कौन है? हम तुम्हारे भैया जी हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ऑफिस? वहाँ दांत निकालते? बेंजित के घर का बच्चा है ना, बड़ी भोली बातें करता है। सूरत भी बड़ी प्यारी है। सीमा, जाऊँ? सुनिए, चाबी लिया आपने? ओह यस। पर्स? रुमाल? अरे, इस दिलाने वाली बीवी जिसे मिले उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम इतना बढ़ गया है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर है, आपको वहां बुलाया है। गुड न्यूज, मालूम होता है उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया है। तुम 5 तारीख की सीट बुक करवा दो, मैं इसी हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। ओके सर। मैंने कहा, जानती हो ये सामने वाले पड़ोसी कौन है? सुना है कि बड़े रईस आदमी है, कोई पर्चा वर्चा निकालते हैं, खूब कमाते हैं। मतलब ये कि फीस नख्त और पब्लिसिटी मुफ्त? वही बात हुई कि हल्दी लागे ना फिटकरी, रंग चोखा है। मैं कहता हूं दुर्गा,
ऐसा एक भी घर मिले ना तो चार घर बना डालूं, चार। अरे मेल झोल से कारोबार बढ़ता है। हाय दुर्गा माई, तो मैं क्या करूं? अरे वो पड़ोसन से दोस्ती बना लो, औरत हाथ आ जाए तो मर्द लट्टू की तरह घूमता अपने पास आ जाएगा। अभी मुझे को देखो ना, इन तुम्हारी डुगडुगी आंखों पर बंदर की तरह नाचता हूँ। चलो आठो बातें ना बनाओ, चलो जल्दी से उन लोगों से मिलाए। ख्याल बहुत अच्छा है, चलो बटन सीधे। हाँ। हाँ। और सुनो, बातें तुम करना, हाँ मैं नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा मैं ही करूंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? आप प्रकाश बाबू से नहीं मिल सकते? जी जी हाँ, ये बॉम्बे है, बॉम्बे। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप किस चिड़ियाघर से आए हैं? वो तो शक्ल से जाहिर है, है? आप प्रकाश बाबू को जानते हैं? लो जी प्रकाश बाबू, अजी साहब मैं प्रकाश बाबू को जब वो इतने से थे तब से जानता हूँ, उनके बाप दादा को भी जानता हूँ। आप बैठिए इधर। क्यों मैं? पहले हम जाएंगे फिर आप जाएंगे। प्रकाश बाबू से हमसे पहले मिलना चाहता है, मेरे ख्याल से कुछ जंगल से आया हुआ मालूम होता है। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। प्रकाश बाबू घर में है? प्रकाश बाबू आप यहाँ क्यों बैठे? क्यों मैं हूँ? क्यों? प्रकाश बाबू है। प्रकाश भाई वही कहवत थे कि अपनी गली में आकर पिट गए। तुम्हारे दांतों से तो यही पता चलता था तुम ही प्रकाश बाबू है। क्यों जी? हाँ जी ठीक है। खैर आप मुझे मिलने आए हैं? जी हाँ जी हाँ। अंदर चलिए तशरीफ रखिए। ओह थैंक यू। आओ जी आप आइए 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 बैठिए बैठिए। थैंक यू। हाँ तो प्रकाश बाबू ये मैं कह रहा था कि नाम है खन्ना और काम है दांतों का बनाना। दांतों से तकदीर को समझना ये अपना रिसर्च है, यानी मेरा रिसर्च है। और दुनिया में सारा चमत्कार दांतों का है, इस सितारों का नहीं। प्रकाश बाबू अरे आज दुनिया मेरी थ्योरी पे हंसती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग चीख चीख के पुकारेंगे कि डॉक्टर खन्ना कहाँ है। तुम भी तो कुछ बोलो, भाभी से बात करो। आप तकलीफ मत करो भाभी, मैं रख दूंगा। हाँ हाँ खाओ। नहीं नहीं हाँ हाँ मजा आ गया। भाभी दांतों के बगैर खाने का मजा नहीं और खाने के बगैर जिंदगी का मजा नहीं। मैं कह रहा था प्रकाश बाबू आपके दांतों का भार मुझ पर डाल दीजिए, आप मत घबराइए, जो आपके जी में आया खाइए। मरीज आ गया हमारे बिस्तर से। चलो 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 मैं प्लेट आपको भिजा दूंगा। अच्छा जी नमस्ते। प्लेट ही लेके चलता बना। भाभी जी मैं यहाँ हूँ। केशु तुम क्यों छुपे हो? अरे तू क्यों छुपा था? अगर मास्टी देख लेती तो मारती मुझे। किस बात पर मारती? तो बिना बात के मारती। अच्छा। अरे केशु यार माफ करना, चॉकलेट लाना तो भूल ही गया। तो ये बिस्किट ले लो। नहीं नहीं खाऊंगा। अरे तू तो लड़कियों की तरह से मारा। ले अरे बाप रे मैं आज बास में आकर खा लूंगा। अरे बिस्किट तो ले दादा। बहुत डरता है अपनी मौसी से, बड़ा प्यारा बच्चा है। सीमा क्या उम्र होगी इसकी? ये भी 4-5 बरस का होगा। 4-5 बरस? अरे अपनी शादी को भी तो 4-5 बरस हो गए हैं। सीमा अगर उसी बरस बच्चा हो जाता तो वो भी इसी की उम्र का होता। तरुण पणा केलेले सुखा म्हातारपणे भोवण्याची वेळ आली। काय माझ्या मागे हे 7:30 लावली? ओ डॉक्टर आओ, डॉक्टर आओ, आज 3 दिवस झाले जेवण नाही, झोप नाही, दात ठणकतोय। ये ठनकता है? हाँ। ये दर्द करता है? हाँ दर्द दुखता है। दुखता है? हाँ। आप घबराओ मत, आपका दांत अभी हम ऐसा निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा हाँ। देगा हम हर चीज तैयार रखता है। ये इंजेक्शन है, आपको इंजेक्शन देगा, आपका दर्द भाग जाएगा। जरा हाथ ऊपर करो। हाँ
डॉक्टर हे काय करताय तुम्ही? क्या हुआ? अब भलतेच ठिकाणी काय इंजेक्शन देताय? पोटात दुखत नाही, दात दुखतोय. ओ वेरी सॉरी वेरी सॉरी. ऊपर का दात? हाँ अभी अभी ठीक कर देता हूँ. हाँ करो. अभी भूगलो भूगलो, आपको गाना गाने को आता है? जरा एक टान मारो. ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या ठीक क्या हुआ? क्यों हल्का है और दांत इधर है. अच्छा हो नहीं तो क्या हमने भले दूसरा दांत दांत काट ला? वो भलता दांत निकाल दिया. घबराने की बात नहीं. अच्छा, बोला घबराने की बात नहीं. डॉक्टर वो गाना गाओ. गाना अरे डॉक्टर ने सगळे दात काढले पाहिजे. अरे अरे क्या कर रहे हैं? सीमा अभी वक्त तैयार हो जाओ ना, सफर में मजा रहेगा. अरे वापसी पर दिल्ली से आगरा भी होते आएंगे. आगरा तुम्हारा अपना शहर है, ताज देखोगे तो बीते दिन याद आ जाएंगे. चलोगी ना? नहीं. क्यों? घर किस पर छोड़ के जाऊं? तुम्हें तो घर की फिक्र लगी रहती. घर किस पर छोड़ू? घर से निकलने को जी नहीं चाहता तुम्हारा? मुझे सैर से कोई दिलचस्पी नहीं है. भगवान करे आप खैरियत से वापस आ जाए और एग्रीमेंट भी हो जाए. अरे तुम्हारी दुआओं का हथियार मेरे साथ है तो फिर जीत मेरी होगी. सब चीजें रखी है ना, कोई तकलीफ ना हो जाए. एक चीज की तकलीफ होगी, तुम साथ नहीं होगी मेरे. सीमा एक बात पूछूं, मुझे याद करोगी ना? आप ही भूल जाएंगे. मैं कब बोलूंगा तुझे? वक्त हो गया है, अब तो जाना ही चाहिए. जाना ही पड़ेगा. एक बात जरूर ध्यान में रखिए, मैं हमें वक्त मिलना चाहिए. मैंने काम हमेशा वक्त से पहले दिया है, ये मेरा रिकॉर्ड है. अच्छा अब मुझे याद दीजिए. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. मैं आगरा से बॉम्बे जा रहा हूँ. थैंक यू. तेरे तीरे नीम कश कोई मेरे दिल से पूछे ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता. फिर वो भूले से याद आई हो, फिर वो भूले से याद आई हो. ऐ रमे दिल तेरी दुहाई है, ऐ रमे दिल तेरी दुहाई है. फिर वो भूले से याद फिर वो भूले से याद आई है. बात इतनी सी है
कहानी में बार इतनी सी है कहानी में हम भी मारे गए जवानी में हम भी मारे गए जवानी में आग सीने में खुद लगाई फिर वो भूली से याद आई है फिर वो भूली से याद आई है आपके मंजिल पे खो गए हम तुम अजनबी फिर से हो गए हम तुम आपके मंजिल पे खो गए हम तुम अजनबी फिर से हो गए हम तुम ये असीरी है या है फिर वो भूली से याद आई है फिर वो भूली से याद आई आँख में बूंद भर जवानी है आँख में बूंद भर जवानी है प्यार की एक यही निशानी है प्यार की एक यही निशानी है रोते बीती है जो है फिर वो भूली से याद आई है फिर वो भूली से याद आई है ऐसा में दिल तेरी दुहाई है ऐसा में दिल तेरी दुहाई है फिर वो लेकिन यार तुम बिल्कुल नहीं बदले 8 साल पहले जैसे थे वैसे मैं तो आने वाले 8 साल में वैसे ही रहूंगा लेकिन ये तुम्हें हो क्या गया है बस चला तो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा असर बाकी है मगर तुम आखिर कर क्या रहे हो कुछ नहीं मैं जिसमें कुछ गाने लिख लेता हूँ और बस गुजर हो ही जाती है जिंदगी ज्यादा चाहिए भी नहीं थोड़ी सी रह गई है वो भी कट जाएगी अरे अभी तो बहुत बाकी है चलो मेरे साथ बॉम्बे वहाँ मेरा घर है मेरा पैसा एक मैगजीन निकालता हूँ और दिल्ली में मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अच्छा और शायद कुदरत ने दिल्ली इसलिए भेजा था कि तुमसे मिला था और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं यार मैं अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्या बेबस ऐसी बातें करते हो यार चलकर मेरा हाथ बताओ फिर मुझे तुम जैसे आदमी की जरूरत है चलो मेरे साथ लेकिन कहाँ ओम पुत्र बोध धनंजान्यम अस्तित्वादि नवीरतम अरे इसने सारी कथा नष्ट कर दी दुर्गा माई के कमरे में आ गया हे दुर्गा माई तेरी दुहाई आ गया तो क्या हुआ बच्चा ही तो है ना अरे क्या मालूम किस बात बात का है हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है मार पड़े उस डॉक्टर मेहताब चंद पर खुद तो मर गया इसे हमारे सर ठोक दिया अरे वो पंचगली का तबक डॉक्टर उसने
इसकी माँ से कह दिया कि तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और खुद इसको पाल लिया। मैं जाने कौन पापन अपना पाप लेकर उसके पास आई थी। अगर मुझे इसकी माँ का पता होता तो मैं कभी भी उसके दरवाजे में पटक आती इसे। आती हूँ। भाभी है ग्रेट मिसेस प्रकाश और सीमा यह है मेरा जिगी दोस्त दीपक। नमस्ते। नमस्ते। ये बच्चे तुम्हारे? नहीं है, ये तो पड़ोसियों का बच्चा है, मगर हमारे साथ इतना हिल मिल गया है हम इसे अपना ही समझते हैं। सीमा वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आज, इसी खुशी में मिठाई खिला देना, बड़ी जोर की भूख लगी। चल तुझे तेरा कमरा दिखा। घर जा। दीपक ये है तुम्हारा कमरा और जल्दी से हाथ मुंह धो लो फिर नाश्ता करेंगे। ओके। सीमा, सीमा आओ ना नाश्ता करें। आप खाइए। क्यों, आप क्यों नहीं खाएंगे? अरे तुम्हारे बगैर तो निवाला नीचे नहीं जाने वाला। बैठ बैठ बैठ। अरे इससे शर्मा रही है? चुप। ये तो मेरा बचपन का साथी है। तुम भी शर्मा रहे हो, खाओ ना यार। पिस्ती खाओ। सीमा हम लोग 8 वर्ष बाद मिले हैं, ये तो आ ही नहीं रहा था, पकड़ कर लाया हूं जबरदस्ती से। इधर तुम्हें याद है आखिरी बार हम दिल्ली में मिले थे और उसके बाद तुम आगरा चले गए। अरे दाखला मिल गया था? हाँ मिल गया। सीमा तुम भी तो आगरा की हो? अरे इन्हें कॉलेज में नहीं देखा? अरे अभी मेरा तो ऑफिस का टाइम हो गया, मैं चला। तुम इतनी नाम से नाश्ता करो और अगर दिल करे तो ऑफिस आ जाना। सीमा इसका ख्याल रखना, कहीं शर्म से भूखा ही ना रह जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे धोखेबाज कह सकती हो लेकिन मैं हूं। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें किस मजबूर हालत में छोड़कर चला गया था। मैं अपने वादे से पहले पहुंच रहा था लेकिन उसके पहले मेरी तकदीर पहुंच गई। बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 3 महीने बाद होश आया मुझे। और जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम घर छोड़कर चली गई थी। तुम्हें परसों ढूंढता रहा सीमा, लेकिन मुझे किस्मत की ठोकरों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सच कह रहा हूं सीमा, अब प्यार कभी छूटा नहीं था, कभी छूटा नहीं था। अब सच छूट का कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। सुना तो नहीं समझ रही इसे, लेकिन इस मजबूर हालत जानने से न जानना ही अच्छा है।
अरे क्यों मारा मारी कर रही हो? जब देखो जब इस बच्चे पे अपना दाव पे दिखाती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? काम तो इसने दिखा दिया है, अब तुम्हारे चहेते ने चोरी करना भी शुरू कर दी है। आज इसने मेरे 10 नए पैसे मार दिए। हाँ, तुम्हारे 10 पैसे चोरी हुए हैं ना? हाँ। अरे अभी दांत देकर बता देता हूँ। शाम सुंदर, मेरे बच्चों को क्यों बुला रहे हो? वो कभी इधर की चीज उधर नहीं करते, उनसे क्या पूछते हो? हाँ, तुम्हारे बच्चे तो क्या मेरे पालतू है? हाँ, मेरे बच्चे। शाम सुंदर, चलो लाइन में खड़े हो जाओ। दांत बताओ, मुंह खोलो, खाली है। दांत बताओ, मुंह खोलो, अलिए। दांत बताओ है? मुखलो मुखलो। ये क्या? पिताजी, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। शाबाश बेटे, चोरी बहुत बुरी चीज होती है। जाओ खेलो, जाओ तुम भी खेलो। किशन साहब आप भी जाइए खेलने के लिए। हैं? क्या है? अरे मिठा था। अरे बाप रे, ए जो तुम्हारे शाम के पास 10 पैसे निकल आए हैं। हेलो, ये है मिस लता, हमारे वेमन सेक्शन के एडिटर। बड़ी हिम्मत से अपनी दुनिया संभाली हुई है। और ये है मेरे दोस्त दीपक, बहुत बड़े राइटर हैं ये। नमस्ते। नमस्ते दीपक, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए जगह अच्छी रहेगी, तुम्हारा दिल लगा रहेगा यहाँ। काम की जगह तो हो गई, अब रहने के लिए कोई जगह? क्यों भाई, मेरा इतना बड़ा घर रहने के लिए काफी नहीं तुम्हारे? मेरा ख्याल है। किस ख्याल में है आप? बंबई में सब कुछ मिल जाता है मेरी जान, लेकिन एक घर नहीं मिलता। क्यों लता? जी हाँ, यहाँ तो बचपन में घर ढूंढने निकल लिए, तो बुढ़ापे में जाके कहीं मिलता है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, तुम अपनी जगह संभालो। बैठिए। ये है हमारा मैगजीन। दिल्ली से आ रहे हैं आप? जी नहीं, आगरे से। ओह, यूं कहिए ताज के रहने वाले हैं आप। वही घर है आपका? घर? घर तो उसका होता है जिसका कोई हो, मेरा कोई नहीं है। अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। और ये अकेलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी जोर की ठंड पड़ रही है, अब घर से निकलना मत, समझा? अच्छी बात है। जरा सी ठंड लगी और जुकाम हो। लीजिए, इसे गले में डाल लीजिए। सीमा, अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना, कुछ बातें करेंगे। अरे इससे शर्मा रही हो? प्यार किया तो डरना क्या? दीपक, एक बात मानो, तुम भी जल्दी से शादी कर लो। सीमा, कोई अच्छी सी लड़की है इसके लिए? आपकी तरफ कोई नेक बीवी मिलेगी मुझे? अरे ऐसी नेक बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं क्या था, इसने मुझे क्या बना दिया। इसलिए तो अपनी शादी की सालगिरह हर साल धूमधाम से मनाता हूं, और मैं जिंदगी के उस मोड़ को भूलना नहीं चाहता जहां से ये मेरे साथ हो गई थी। मुबारक हो भाई। मुबारक हो। नमस्ते भाभी जी।
नमस्ते, आइए आइए बैठिए, आप भी बैठिए, आइए ये फूल बड़े अच्छे हैं, शाबाश, लो 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 ले बस वाह ले बेटा तुम्हें बेटा तुम्हें कुछ पता है? आ गया, ये आ गए नवाब साहब, माफ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई है। अच्छा प्रकाश मुबारक हो। अरे हाँ कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं जरा कुछ दोस्त की पार्टी में गाना नहीं गाओगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो मुझे गाना आते ही नहीं, रोना आता है। अरे रोना आता तो रो ना, चल चल जाना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे चल ना यार, तू नखरे काम किया कर, बस चमन में मेरा आशियाना।
जाने कहाँ हो गया वो जमाना, यही था समन में मेरा आशियाना, न जाने कहाँ अपने ही घर में, मैं हूँ अजनबी आज अपने ही घर में, अपने ही घर में पड़ा अपने साए से दामन छुड़ाना, यही था चमन आशियाना, न जाने कहाँ हो गया वो जमाना, यही था चमन में मेरा आशियाना, न जाने कहाँ। लड़का है, नाक में दम कर दिया, आज मेरे हाथों जरूर पीटेगा। है मैं अब भी छड़ी लासी हूँ। अरे बाप रे, मारे गए, जल्दी पर गड्ढा भरेगा। कहाँ है वो लड़का? छोड़िए ना, वो शरारती लड़का कहाँ है? कौन? केशु। केशु? हाँ। केशु क्या? कहाँ गया? गया। कोई बात नहीं, छुपने वाला और छुपाने वाला दोनों ही पिट जाए। ना बेटा, देखा मेरा कमाल, अब देख तुझे एक मैं दूसरा कमाल बताता हूँ। अच्छा बेटे, देख तूने हमारा कमाल तो देख लिया, अब देख तुझे एक और कमाल दिखाता हूँ। ये देख भैया जी, ये तो चलता है। किसका है? ये है, ये तुम्हारा है। मेरा? हाँ। ओ जियो राजा, देखा कितना खुश हो गया, जाने क्या मिला है। सीमा, किशु भला क्यों आता है यहाँ? मालूम होता है इसे अपने घर में प्यार नहीं मिला। मेरा भी यही ख्याल है। सीमा, जानती हूँ मैं किशु कितना प्यार क्यों करता हूँ? जी नहीं। इसलिए कि उसकी सूरत मेरी सीमी से बहुत मिलती है। मुझे दे किशु, मुझे दे। खबरदार, माँ जी को बुलाऊंगा। माँ जी! अरे क्या है, क्यों उधर मचा रहे हो? मुझे काम भी नहीं करने देते, क्या है? माँ, मेरा खरगोश नहीं चलता, इसका बालू चलता है। चोरे, इधर आ, इधर आ, दिखा क्या दिखा। अच्छा, ये कहाँ से चुरा के लाया? चोरी करके नहीं लाया, भैया जी ने दिया। भैया जी ने दिया? मेरे बच्चों को तो कभी फूटी कौड़ी की चीज नहीं दी, तुझे भैया जी ने दिया। याद रख, अगर अब तू कभी फिर वहाँ से कुछ लाया ना तो मैं तेरे हाथ तोड़ी, समझा? भैया जी ने दिया। चलो इधर आ। मैं अंदर आ सकता हूँ? सुन सुन मुसा, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार, आपके दांत में दर्द है? हम ठीक कर देंगे, आइए। अरे ये छाता भूल गए।
आइए, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, बैठिए आराम से। हाँ अब बोलिए साहब, क्या तकलीफ है आपको? ये छतरी हो? हाँ क्या बात है? दांत के घोड़ा में दर्द है। दांत के घोड़े में? घोड़ा ना, घोड़ा ना, गम गम। अच्छा गम में? हाँ अब ठीक हो जाए। माछ मछली का कांटा गोड़ गया है। अपना फैमिली डॉक्टर के पास गया था, बोलता है पेनिसिलिन इंजेक्शन लगा, उसी से गल जाएगा। हम सुई से बहुत डरता है, इसलिए बोला अपना वाइफ से पूछ के आता है, बोल के मैं इधर भाग आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा अभी दांत देखना मंगता, जरा मुंह खोलो। क्या हुआ? दर्द, बहुत दर्द। अच्छा किधर है दर्द? लेफ्ट साइड बालकनी। लेफ्ट साइड बालकनी? ऊपर बाईं तरफ। मालूम होता है तुम सिनेमा बहुत देखते हैं। बहुत कहाँ देखता हूँ, लेकिन एक पिक्चर बहुत बार देखता हूँ। वो सुचित्रा सिनेमा हाउस है ना, उधर का ऊपर का गेट कीपर हूँ। 100 रुपया मिलता है, लेकिन मछली रोज खाता हूँ। अच्छा? हाँ हम जानता है, ये बंगाली लोग मछली बहुत खाता है। मत घबराओ, अभी हम तुम्हारा कांटा निकाल देगा। मुँह खोलो जरा। कांटे के साथ वो दांत को भी निकालना चाहिए। पौधों निकालेगा? नहीं, सब निकालेगा और सब नया डालेगा। तुम्हारी बीवी को बहुत पसंद आएगा। बाबी तुम इतना क्यों जाती हो? इसलिए कि तुम मुझे चाहते हो? लो खाना खा। लो ना। बैठा निकल रहा है, मैं तुझे दरवाजे से पाँव निकालने को मना कर रही थी। बोल। मैं इसे ले आई चाची। बड़ा अच्छा किया, मैं इसे बनाना चाहती हूँ और तुम इसे बिगाड़ रही हो। अब सुधार हो चुका इसका। कब हो रहे? चल यहाँ से, चल। चाची इसे खाने दो चाची, बेचारा सुबह से भूखा है। आए दुर्गा माई, तुम तो ऐसे तरस खा रही हो जैसे ये तुम्हारा ही बच्चा हो। अरे भाभी ये लाड प्यार का नहीं मार पिटा है। चलो मैं तुझे पेट भर के खाना खिलाती हूँ। भाभी भाभी हमारा दांत जब तू आ गया समझा, कहीं हड्डियां तोड़ दोगी। भाभी भाभी ले खा, खुश सुन और जल्दी खा के बाकी सब काम कर ला। है बत्ती भी नहीं जलाई, ये किसका ख्याल है जो तुम्हें अंधेरे में रखकर उजाले में लिए फिर रहा है? सच सच बताओ क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही थी, बताऊं? बताइए। तुम सोच रही, तुम मेरे से बस सोच ही कह सकती हो। सीमा अपने दीपक का भी जवाब मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा राइटर है। अभी लास्ट मंथ उसने कहानी लिखी है, सच्ची कहानी। हाँ धूम मच के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं इतने नए ख्याल के नहीं हूँ। तुमने पढ़ी है वो कहानी? जी नहीं। एकदम हिंदुस्तानी बीवी हो। सर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब खाने का वक्त हो गया है। ये 1 मिनट लगेगा, आओ ना। मोहब्बत हो जाती है, सच्ची मोहब्बत। अब फिर एक दिन क्या होता है, एक रंगीन फिजा में एक लहर उभरती है और दोनों को गुनाहगार बना देती है। और फिर ट्रेजडी हो जाती है, दोनों बिछड़ जाते हैं और लड़की किसी दूसरे मर्द से शादी कर लेती है। बस मेरे नजदीक यही गलत है। क्या गलत है? वो लड़की पत्नी बन जाती है जो अपनी मर्यादा खो चुकी है। सीमा मर्द के साथ ये बहुत बड़ी चीटिंग है, गद्दारी है। गद्दारी क्यों है? कैरेक्टर क्या रह गया उसका?
सीमा वो अपने पति को धोखा दे रही है। और इससे धोखा तो मत ने दिया है, गद्दारी मत करे। और औरत गद्दार कहलाए, ये कहाँ का इंसाफ है? वो सजा क्यों भुगते? इसके लिए जगह घर में नहीं, समाज में नहीं, फिर वो कहाँ जाए, किधर जाए? मुँह में टिक पड़े, वेश्या बन जाए, कुंवारी रहे, जिंदगी भर माँ बाप के सीने का नासूर बनकर जीती चली जाए, इस पर भी दुनिया उसे जीने ना दे। इसलिए कि वो औरत है, बेबस है, मजबूर है, उसका मरना मंजूर है, उसका जीना मंजूर नहीं। वो वेश्या बन सकती है मगर पत्नी नहीं बन सकती। अरे तुम तो बहुत बड़ी लीडर बन सकती हो, आने वाले इलेक्शन में जरूर खड़ी हो जाना। सीमा सच मुझे आज पता चला तुम्हारे दिल में औरत जाति के लिए कितना दर्द है। चलो खाना खा। बड़े जोर की भूख लगी। दीपक और दीपू अबे चल खाना खाए। क्या बात है, तबीयत खराब है कुछ? ना मालूम क्यों गला बैठ गया। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। खांसी कैसे नहीं आएगी, सिगरेट जो बहुत पीने लगे हो तुम। बंद करो इसे यार, अभी पिछले नवनीत में मैंने पढ़ा था इससे बहुत सारी बीमारियां लग जाती, खाम खा अपनी सेहत खराब कर रहे हो। अरे दही आपको नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? रात आपको खांसी आ रही थी। अरे कल की बात छोड़ो, आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं। ख्याल आप पर छोड़ रखा है। सब्जी मिलेगी? अरे पानी पियो, ठीक हो जाएगा, पानी पियो ठीक हो जाएगा। ठीक है कुछ सीमा? सीमा जी यहाँ। वेरी गुड न्यूज, प्रेस की झंझट ही खत्म। दिन रात की झकझक से तंग आ गया सीमा, एक बहुत अच्छा चांस मिला है मुझे। मरने से पहले और मरने के बाद की सारी फिक्र दूर हो गई। ये देखो कांगो में एक लेफ्टिनेंट की जरूरत है, 600 रुपए माहवार तनख्वाह, और अगर देश का ये सिपाही काम आ गया तो तुम्हें हर महीने 300 रुपए माहवार मिलता रहेगा। चुप रहिए, जो जी में आता है कह देते। भगवान हजारों साल आपको रखे, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी चाहिए। भगवान के लिए अब से कभी ऐसी बातें मुझसे ना निकालिएगा। अच्छा बाबा नहीं कहते। प्रकाश मैं फौज में भर्ती हो जाऊं? मुझसे मत पूछो, अपनी भाभी से पूछ लो। अकेली इंसान का क्या है, फैमिली वालों को मुश्किल है। का मतलब अकेला इंसान कुछ भी, इसकी कोई कीमत नहीं, वो बेकार है, बेजान। प्रकाश जी सकता है, मैं मर सकता हूँ, इसकी जिंदगी है मेरी जिंदगी नहीं। दुनिया पर बोझ काटा उस घर में कटक रहा हूँ, और जीना दोनों बराबर। यही ना दीपक। क्या बात? सॉरी प्रकाश, मैं जज्बात में बैठ गया था। Ah
जीऊंगी साथ मरूंगी सजन सलोनी साथी प्रीत मेरी प्यार निभाना भूल न जाना सजन सलोनी मैं भैयाद तेरी साथ जीऊंगी साथ मरूंगी सजन सलोनी साथी प्रीत मेरी हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मैं तो यही हूँ। मगर आपकी आत्मा कहीं और है। आपकी सोच में कोई खोज मालूम होती है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही कोई बात है। लेखक के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया। एक बात बताइए, कहते हैं राइटर की जिंदगी में कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होता है। मोटर का एक्सीडेंट? जी नहीं, दिल और नजर का एक्सीडेंट। आपने भी कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? प्यार मुझसे कौन करेगा, कौन चाहेगा मुझे? नहीं तो अपना मैं बेगाना हूं। कोई खुशी कोई ऐसी घड़ी मेरे पास नहीं है। ये चांद सितारों वाली बात है, ये छू भी नहीं सकता उसे। वो और होते हैं तकदीर वाले, चांद सितारों में बसने वाले, जिन्हें प्यार से प्यार मिला है। ऐसी किस्मत में कोई किस्मत नहीं। आपकी आंख आंसू ही तो है, आ जाते हैं कभी, मगर दिल का गम लेके निकलते हैं। इन आंसुओं में दर्द की चमक है, सीने की जलन है। जरूर तुम्हारी जिंदगी के पीछे कोई ट्रेजेडी है। हाँ है, और वही ट्रेजेडी आज मेरी जिंदगी के सामने है। मुझे कांटों में खींचा जा रहा है, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। मेरे अरमानों के ताजमहल टूट गए, सपना के सितारे टूट गए, जमाना मेरी जिंदगी से चल गया। प्यार के तकदीर आज गम ही गम में, कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। हर कहानी का अंजाम ट्रेजेडी नहीं होता। भाभी नमस्ते, ये आज रास्ता कैसे भूल गई? आओ आओ। जरा दांत में दर्द हो रहा है, इसलिए खन्ना जी से दवा लेने आई हूँ। बैठो बैठो, वो तो है नहीं, आने के साथ ही मैं दवा भेज दूंगी। ये केशु की आवाज है ना? हाँ, मुआ महीने में 8-10 दिन बीमार पड़ा रहता है। अब तुम ही बताओ, घर का कामकाज कौन करेगा? इसकी माँ कर करेगी? कुछ दवा दी उसे? अब इसके लिए दवा मंगवाऊंगी। कूंडा कूंडा भर खाता है, इसीलिए तो बीमार पड़ता है। कमबख्त मरता भी तो नहीं। माँ, माँ। अरे लाती हूँ, इन बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है, लाती हूँ। दूध पी ले। दूध ना क्यों, मुझे पानी चाहिए। पानी नहीं, दूध पी। ना मुझे दूध ना क्यों, मुझे पानी चाहिए। अरे सुन ना सही, पानी पी ले बेटे।
तेरी माँ हूँ पिशु, तेरी माँ हूँ। पानी पी ले, आँख खोल, खोल। पानी पी ले बेटी। भाभी जी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा ना। हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगे। जब ठीक हो जाऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, मेरे पास यही जाना, यही जाना मेरे पास, रोज जाना। ये तो खुली जगह है, सारी हवा तुझे लग रही है। ठहर, मैं उठ देता हूँ। पीछे हट रही है जैसे मैं कोई बिच्छू डस मार देता। सांप डस लेता तुम्हें? ये बात नहीं। बिल्कुल यही बात है, मेरे साये से डर रही हो। मेरा कसूर यही है कि तुमने मुझसे प्यार किया, तपस की थी, अब इतना बुरा हो गया कि देखना तक का आ रहा नहीं। मैं इतना मत घिराओ कि मेरे से घिरी जाओ। और ये मत भूलो वो चिट्ठिया मेरे पास मौजूद है जिसमें मोहब्बत का तुमने इकरार मुझे दिया है। घर गृहस्थी जिस पर तुम नाच कर रही हो, एक मिनट भर में बर्बाद करो, समझी? सिमी, लगा जैसे मेरी सिमी मुझे याद कर रही है। और वह चलाया, याद कर रही थी ना? अरे तुम्हें देखकर तो दिन भर की थकावट दूर हो जाती है, एकदम फ्रेश हो जाता हूं। अरे ये क्या, अपना जन्म सुधार रही हूं। मैं आपके प्यार के लायक नहीं, मैं आपकी दासी हूं। सेवा का हक मुझसे मत छीनिए, मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। इन चरणों से मुझे शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। ये छूट गए तो मैं लुट जाऊंगी, कहीं की न रहूंगी, कहीं की न रहूंगी। ये क्या हुआ है तुम्हें? मालूम होता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझसे कोई गलती हुई? गलती तो मुझसे हुई जो मैं यहाँ चला आया। घर में कोई तकलीफ? क्या कहते हो? तो तुम्हारी भाभी से कोई शिकायत? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मेरा दिल उचाट हो गया है। दिल की बात कविता में अच्छी लगती है। तुम्हारे जाने की कोई वजह नहीं, तुम नहीं जा सकते। मुझे मत रोको, मेरा दम घुट जाएगा। फिर भी बातें छोड़ो यार, इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है।
अभी अभी मैंने अपने मैनेजर को निकाल दिया, सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर। तुम हैंडल कर सकते हो मगर तकाश। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं, सोचो तो। इस वक्त कोई हैंड नहीं मेरे पास, किसी को ट्रेन करने का वक्त नहीं। एन वक्त पर यह आफत आ गई है दीपक। अगर एनुअल वक्त पर ना निकला मैं कहीं का ना रहूंगा। इस वक्त मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी प्लीज। क्या दांत निकाल रहे हो? बिना सीखे मुझे संभालते हो, ऊपर देखो बेश। ओहो दुर्गा, अरे अक्कल की बारदान, इतने घर में लोग हैं उनसे काम क्यों नहीं लेती? अरे यही तो रोना है, सारे घर का काम मुझे अकेली के सर थोप दिया है। पहले वो निगोड़ा किशन मेरा हाथ बटा देता था, अब 24 घंटे वो सामने वालों के घर में घुसा रहता है, मानता ही नहीं है। मानेगा भी नहीं, जरूर जाएगा। पूछो क्यों? क्यों क्यों कि भाभी के दांत और उसके दांत मिलते जुलते हैं, मेरा मतलब है एक ही डिजाइन के हैं। तुम्हें तो हर वक्त दांतों की पड़ी रहती है। अरे बहुत अच्छा कहा, दांतों याद आ गया, पेशेंट बैठा हुआ है। ए दुर्गा माई, आपके दांत में बहुत तकलीफ है। अस्ताग्रह अस्ताग्रह मुंह खोलो, देखें मुंह खोलो। सदा से ये क्या है? ये हमारे गुरु का नाम है। सदाशिव राव कवि तुम्हारे गुरु का नाम है? ये ना, अच्छा 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 गुरु है। मुंह खोलो खोलो। छोटा है छोटा है। छोटा है बड़ा, दूसरा पकड़। अरे अरे मिस्टर स्वामी, तुम्हारा धोती। हमारा हमारा धोती दे जी। बम्मन वाला तारे ये मैं गाड़ भी वर्तल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। कैसे ना हुआ? बात ये है कि बुरा ना मानना, ये केशव है ना 24 घंटे आपके यहाँ बैठा रहता है। न जाने इसे आपके घर का क्या चस्का लग गया है, मेरे घर तो इसका दीदा एक मिनट नहीं लगता, और इसलिए मेरे घर का सारा काम यूं कहीं धरा रहता है। बड़ा प्यारा बच्चा है, खुद ही आ जाता है और फिर हमारा भी दिल लगा रहता है। बच्चे तो प्यारे होते ही है, लेकिन बात यह है ना कि ये बच्चा इसलिए ही समझता नहीं है। भाभी से कह कह के तो मैं तंग आ गई हूँ, वो तो सुनती नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप उसे आने से मना कर दें तो अच्छा होगा। मना कर दूं? बड़ी मेहरबानी होगी। बोल। ई आ। ऐसे नहीं, पहले आ फिर ई, बाद में ऊ। पहले ई हो या हो, मैं नहीं पढ़ सकता बाबा। बहुत शरीर हो गया है। अरे बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? अब सीधे से पढ़ता या नहीं? नहीं पढ़ता, जाओ। तुम्हारे साथ खेलूंगा और भैया जी से पढ़ूंगा। अरे भैया जी आ गए। भैया जी किस बेटे? भैया जी तुम मुझे पढ़ाओ ना। बेटा मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ है। सीमा किशो का यहाँ ना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? इसके घर वालों को अच्छा नहीं लगता। अभी अभी दुर्गा चाची मुझसे कह रही थी, और मैं भी नहीं चाहता हम का पड़ोसियों के साथ झगड़ा। किशो बेटा तू यहाँ मत आया कर, मैं घर में रहा करूँ। वहाँ मुझे शाम मारते, वहाँ मुझे सब प्यार करते। तो तू यहाँ आएगा चाची तुझे और मारेगी। मारने दो। मार खाना अच्छी बात नहीं होती बेटे, तेरी भाभी भी यही कहती है। क्यों भाभी जी, तुम भी यही कहती हो? हाँ किशो,
मैं खुद बुला लिया करूंगी। जाओ घर जाओ। अच्छे बच्चे बड़ों की बात मान लेते। इन पर अपना क्या जोर है? मिस लता, आपने भी नहीं देखा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट, उन्हीं के ही रखा था मैंने। मिल जाएगा, परेशानी की क्या बात है? परेशानी की बात इसलिए है कि उसका जाना जरूरी था और मैं भूल गया। अब देखता हूँ लेटर भी गायब है यहाँ से, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत नहीं आएगी, उसे मैंने कल ही भेज दिया है। तुमने? मैं जानती थी आप भूल जाएंगे। बड़ी आफत से बचा लिया तुमने मुझे। लेकिन लता, तुमने मेरा इतना ख्याल क्यों किया? जिससे अपना ख्याल नहीं रहता दूसरों को उसका ख्याल रखना ही पड़ता है। यह है आपकी कहानी का प्रूफ, जरा देख लीजिए। बहुत सीरियस काम हो रहा है। दीपक कल इतवार है, फ्री हो ना? क्यों भाई, तुम्हें सैर करा दूं बंबई की, और ना तुम कहोगे तुम्हें अपना शहर ही नहीं दिखाया। एक फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो जाना चाहिए। फिर कभी है? नहीं, कल ही सुबह सुबह निकल चलेंगे सूर्य से पहले। क्या दिन चढ़ाई है, चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जा सकती, बहुत ऊंचा है। बहुत क्या है, तुम चला गए, मैं भी अपने से इतने चला जाएगा। अरे एकदम लड़कियों जैसे हो। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं भी चलूंगी आपके साथ। कमांड कमांड डाले। थक गई, आराम करके आ जाना ऊपर। सीमा, तुम्हें याद है एक बार हमने भी इसी तरह से पिकनिक बनाई थी और तुम इसी तरह से थक गई थी, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से चलने लगे थे। याद है तुम्हें? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें सब कुछ याद है, जिस तरह से मैं नहीं भूल सकता तुम भी नहीं भूल सकते। और फिर इस मसले ने मतलब यह है कि मैं आज ही तुम्हारे बात करी। ये मसला तुम्हें प्रकाश समझ कर मैंने गलती से दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ अपने पति का देश समझ रही हूँ, इसके सिवा तुम्हारा कोई रूप नहीं है। ये झूठ है, बिल्कुल गलत है। तुम तो दिल की आंख को दबा रही हो, अपने आप को मुझसे छुपा रही हो। डर रही हो वक्त से, मजबूरिया ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है, हालात ने तुम्हें कुचल दिया है, तुम्हारे दिल में आंखों में जबरदस्ती का रंग चढ़ा हुआ है। सीमा, प्यार को कोई गहर नहीं मार सकता। मैं आज भी कैसी हूं? नहीं नहीं नहीं, सब कहां जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहा हूं मैं प्लेन। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, रास्ते में बताता हूं। सीमा, तुम दीपक के साथ घर जाओ, बैठो ना, उसे ड्राइवर को बना रही हो, बैठो।
चलो जल्दी में उनका प्लेन छूट जाएगा। शाबाश। ओके मैं इसी गाड़ी में घर पहुंच जाऊंगा, तुम लोग भी सीधा घर आ जाना, समझे? तुम चाहो तो अभी पीछे बैठ सकती हो। अरे घर का रास्ता तो वो है क्या? ये कौन सा रास्ता है? मैं कहती हूँ मोटे घर की तरफ ले चलो। मैं कह नहीं जाऊंगी। तुम मोटे लोग दीपक, मैं जान दे दूंगी, मैं खुद पढ़ूंगी, लेकिन प्रकाश को बदनाम होने नहीं दूंगी। सीमा, वैसे ही कुछ शायद कुछ प्रोग्राम बना लिया था। नहीं, समुद्र की सैर करने का ख्याल हो आया था। समुद्र? अरे यहाँ तो सब सूखे खेत हैं। कहीं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर गया मैं? कहते चलो मैं भी आप लोगों के साथ समुद्र की सैर कर लूंगा। चलो चलिए ना। आपकी जगह तो यहाँ है स्टीयरिंग पर, मैं आपकी जगह नहीं छीन सकता। यहां बैठे ना हम दोनों के बीच में। कहां चलोगे प्रकाश? स्टीयरिंग आपके हाथ में, जहां जी चले। मेरी समझ में नहीं आता क्या तमाशा हो रहा है। कालनामे की तारीख सर पर है, अभी तक टाइटल नहीं, प्रूफ नहीं। कब टाइटल बनेगा, कब चलेगा, कब निकलेगा? ये दुकान पर ढंग गुजरी का है, छह महीने से बैठे मुफ्त की सुखा खा रहे। हमने तो दीपक बाबू को सब कुछ दे दिया है, टाइटल की डिजाइन, प्रूफ की कॉपियां, यहां तक कि तस्वीरों के ब्लॉक तक उनके टेबल पर रख दिए हैं। जब वही काम नहीं करते तो हम क्या करें? जब आप ऑफिस में होते हैं वो बाहर होते हैं। ऑफिस में आते हैं चुपचाप बैठ जाते, न जाने क्या घूरा करते दीवार पर। उनसे तो कोई काम नहीं होता साहब। मुझे सारी रिपोर्ट मिल चुकी है, ये क्या बात? अभी तक टाइटल पेज अधूरा है, पर उसकी कॉपी पर धूल जम चुकी है, लिस्ट का पता नहीं। तुम्हें काम पूरा नहीं करना था, अपने कर लिया था। मेरे भरोसे का जवाब ठोके से दे रहे हो? प्रेस नीलाम नहीं होगा, मैं नीलाम हो जाऊंगा। क्या ये सब कुछ तुम्हारे हाथों इसलिए सौंपा था कि चार आदमी मेरी बेइज्जती हो? मेरे घर की शांति को बर्बाद कर दिया है तुमने। खूब वक्त अदा किया है मेरी दोस्ती का। बड़ी सजना रे,
पर्दादार औरत का पर्दा है, नाटक का पर्दा नहीं कि जब जीता उठा दिया। साहब, दांत देखने के लिए मुंह देखना बहुत जरूरी है। क्या कयामत है डॉक्टर साहब, एक गैर मर्द एक पर्दादार औरत का मुंह कैसे देख। जी बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो मुझे भी बहुत है बेगम, लेकिन अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या तरकीब समझ में आई है? क्या डॉक्टर साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कांटे से कांटा निकलता है। मेरा मतलब है औरत के लिए औरत डॉक्टर अगर हो, यानी कि हाँ साहब है लेडी डॉक्टर। हाँ तो बुलवाइए ना। पहले क्यों नहीं कहा? मुझे क्या पता वो भी है। अभी लीजिए लेडी डॉक्टर, जल्दी लाइए। हेलो, निकली जा रही है। अरे
कंबल की कंबल जाएगी, आवाज भी बन गई। खाला आपके दांत में दर्द है, अभी ठीक हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो बहन बहुत दर्द है, घबरा नहीं, मैं सब ठीक कह देती हूँ, जरा मुँह खोला तो आराम से। आपके दांत में तो खड्डा पड़ गया है, जरा पानी लेना। नहीं आपके दांत में जरा कचरा है। माशाल्लाह, क्या तारीफ की जाए आपके नाजुक हाथों की। शुक्रिया शुक्रिया। ताकत और सफाई से आपने बीवी का दांत साफ किया। जी चाहता है आपके नाजुक हाथों को चूम लूं। अगर हाथ ये है तो माशाल्लाह सूरत आई। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो दिल्ली वाला लेटर कहाँ है? वो तो दीपक बाबू को दिया था, तो बुलाओ उसे। वो तो अभी तक आया नहीं। आया नहीं? आजकल वो बहुत बिजी रहता है। ऐसे अर्जेंट लेटर से मत दिया करो, मुझे दिया करो। आज से सारा काम मैं खुद करूंगा। मार तुझे पड़ती, चोट मुझे लगती। भाभी जी तुम इतना क्यों रोते हो? तेरी तकदीर को रोती, मेरे कर्मों का फल तुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे नसीब के ठोकर तुझे खानी पड़ रही। मैं
अपनी आंखों से देख रही हूँ। कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तुझे लिपट के अंदर रो भी नहीं सकती। बाबी जी मेरा किचरी है ना, मेरा है ना। दुआ लगा दे, अब तू घर जा, नहीं तो मौसी फिर मारेगी। मैं नहीं जाऊंगा। तेरे भैया जी मना कर चुके हैं ना, तुझे देख लेंगे तो बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे? हाँ, उनका गुस्सा बहुत खराब है। मेरी बात मान, मैं तेरे भैया जी से पूछ के तुझे खुद बुलवा लूंगी। हाँ हाँ। मेरा केशू। चल प्रकाश बाबू, शराफत की हद हो गई। आपके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। यानी केशव को छुड़ाने के लिए आपसे हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। ये वही कहावत हुई कि बेगान है मां फिर अब्दुल्ला दीवाना। केशव को तो मैंने उसी दिन से मना कर दिया था, हमारे नहीं आता वो। आपके कहने से नहीं आता, जरा अंदर जाकर अपनी आंखों से देखिए, भाभी उसके बगैर एक दिन भी नहीं रहती। प्रकाश बाबू, अगर आपको बच्चों से इतना ही मोहब्बत है तो मुझसे कहिए ना, यतीम खाने में मेरी जान पहचान है, चार पांच बच्चे आपको दिला दूं। हाँ बिछा। सीमा, सीमा जी, मेरे लाख मना करने पर भी तुमने किशु को यहां नहीं दिया, कहां है वो? किशु यहां नहीं है। यहां नहीं है? बड़े झूठे पड़ोसी हैं ये, खाम खा मुझे परेशान करते। मैं पूछता हूँ केशु यहाँ है या नहीं? कह तो दिया नहीं है। नहीं है? मेरे कहने का यकीन नहीं आ रहा है आपको? केशु का बच्चा कहाँ से आ गया फिर? ये तो यहाँ नहीं था ना। क्यों रे, तुझे मना किया था ना यहाँ नहीं? बोल क्या आया? बदमाश के लिए अपने पति को धोखा दिया है तुम, शर्म आनी चाहिए तुम। तुम्हारा कैरेक्टर बदलता जा रहा है सीमा। मैंने इसे नहीं छुपाया। तुम्ही ने छुपाया, तुम्ही ने बुलाया है इसे। मैं सच कहती हूँ। झूठ कहती हो तुम। मैं झगड़ा दबाना चाहता हूँ, तुम उठाना चाहती हूँ। मैं घर में शांति चाहता हूँ, तुम्हें शांति चाहती हूँ। तुम इसके लिए मुझसे दुश्मनी कर रही हो। मैं कह रही हूँ ये खुद आया है, मैंने इसे नहीं बुलाया। तुम्हारा कोई एतबार नहीं रहा, तुम इसे बुलाती हो, तुम्हारी वजह से यहाँ आता है। तुम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तुम मरी जा रही हो इसके लिए। मैं नहीं जी सकती, मैं इसके लिए मर रही हूँ। हाँ मैं बुलाती हूँ इसे। हाँ हाँ तुम बुलाया करती हो इसे। मैं बुलाती हूँ? बदमाश, मैं कब बुलाती हूँ तुझे? कब बुलाती हूँ? बोल बोल कब बुलाती हूँ? अब से आएगा मेरे पास कभी ना आना, मेरे पास कभी ना आना। प्रकाश, पढ़े लिखे होकर चैन बन गए, ये दिलों पता है पत्नी के साथ, पति के एक शब्द उसकी तकदीर तुम्हें सौंप दीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी जिंदगी का सिर बिगाड़ दो, और अपनी ताकत का सहारा लेकर कमजोरी के सामने आते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर से तुम्हारे ठोकर में डाल दिया है, वरना तुम ऐसी नेकी के काबिल नहीं हो। भैया आपको दिल्ली बुलाया है। ये एक और नई मुसीबत। दीपक यहां आओ। तुम जा सकते हो। दिल्ली वाले मुझे बुला रहे हैं, कोई बिजनेस की बात है।
तुम चले जाओ। हाँ मुझे यहाँ जरूरी काम है, मैं तो जा ही नहीं सकता। और फिर बोला मैं बिजनेस के बारे में क्या जानता हूँ। हाँ, आप कैसे जा सकते, मुझे ही जाना चाहिए, मुझे ही जाना चाहिए। कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तबीयत ठीक मगर किस्मत ठीक नहीं। क्या हो गया? जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। दिल्ली वालों ने भी बुलाया है तो यहाँ की उलझने कुछ ऐसी समझ में नहीं आता, क्या करूँ? तुम्हारी क्या राय है? जब यहाँ से वहाँ की बात ज्यादा जरूरी है तो आपको जाना ही चाहिए। तुम भी यही कहते हो कि जाना चाहिए। ठीक ही तो है, मेरा चला जाना बेहतर है, सारा काम खराब हो जाएगा। अभी का प्लेन है? 11 बजे का प्लेन है, मगर 2-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा। सीट का प्रॉब्लम है ना? सुनिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। क्यों? वैसे ही तबीयत घबरा रही है मेरी, कुछ सैर हो जाएगी। सैर से हमेशा नफरत रही है तुम्हें, आज एक मोहब्बत क्यों? मैं एक बात पूछूं, शादी से लेकर आज तक सैकड़ों बार बाहर गया हूं और हमेशा मेरी तमन्ना रही है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर तुम नहीं गई। आज क्यों कह रही हो? जी इसलिए कह रही हो कि तुम्हें जाना नहीं, हर वक्त एक बोझ बना रहता हूं, सारे की तरह तुम्हारे साथ साथ रहता हूं। कुछ दिन आजाद होकर जियो ना, डर डर के जीने से जिंदगी कम हो जाती है। सीमा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और वो जो मेरे चांदी के बर्तन चोरी हो गए वो कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा? हैं? वो कौन भरेगा? हैं? कौन भरेगा? हैं? निकल जाए यहाँ से। हाँ। माँ से। निकल जाए। मुझे मत ले। माँ से। कोई एतबार नहीं रहा, हमारा कैरेक्टर बदलता जा रहा है। सीमा, मैं झगड़ा दबाना चाहता हूं तुम उठाना चाहती हो, मैं घर में शांति चाहता हूं तुम शांति चाहती हो। कुछ दिन आजाद होकर जियो ना, डर डर के जीने से जिंदगी कम हो जाती है। सीमा, डर डर के जीने से जिंदगी कम हो जाती है, डर डर के जीने से जिंदगी कम हो जाती है, डर डर के जीने से जिंदगी कम हो जाती है, डर डर के जीने से जिंदगी कम हो जाती है, डर डर के क्या बात है, बहुत परेशान होती है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? जो आज तक मैं कह सकी सुनोगे तो तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। पगली, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो। इतनी प्यार का सहारा लेते मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मेरी आत्मा का सारा बोझ मिट जाएगा। मैं तुम्हें अंधेरे में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन शादी से पहले माँ बीच में आ गई और शादी के बाद तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं जहर पी पी के आज तक जीती रही, हवा नहीं दे सकती, हवा नहीं दे सकती। सीमा, आपकी बात क्या है? शादी से पहले मैं माँ बन गई थी,
तुमसे छुपाया ये एक और पाप किया मैंने। मैं प्यार में धोखा खा गई। मैं अपने गुनाह का तुमसे इकरार कर रही। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रकाश, मुझे क्षमा कर दो प्रकाश। माफ नहीं करोगे? कितना छोटा दिल है तुम्हारा। क्या सारा प्यार मेरी भूल की आग में जलकर राख हो गया? आज का प्यार वेश्या को कोठे से निकालकर घर की जिल्लत बना देता है। आज विधवाएं घर घर सुहागनी बन रही। आज लूटी हुई शरणार्थी को घर गृहस्थ में जगह मिल सकती है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल सकती। मुझे पत्नी बनने का कोई अधिकार नहीं। प्रकाश, एक अनजाने दोष की इतनी बड़ी सजा दो। इस एक रात से मेरे सारे दिनों को काला न करो। भगवान के लिए मुझसे मुंह ना मोड़ो, मुझसे मुंह ना मोड़ो। मुझे छोड़कर ना जाओ प्रकाश, मुझे छोड़कर ना जाओ प्रकाश, मुझे छोड़कर ना जाओ। केशु, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? जाओ अपने घर जाओ। है मौसी ने मुझको घर से निकाल दिया। ओ भैया जी, मैं नहीं आने देते। अब मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं? तुम्हें बोला है दीपक बाबू, सभी मुझसे नफरत करते हैं। रो मत किशो, हम दोनों का एक ही हाल है। जमाने के ठुकराए हुए इंसान है हम, उससे भी सब नफरत करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहां जा रहे हो दीपक बाबू? मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ नफरत करने वाला कोई भी ना हो, सभी प्यार करने वाले हो। तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी तैयार हो गया था। औरत शादी से पहले कभी किसी की नहीं होती, शादी के बाद होती है। क्या सिंदूर मलकर ये जो सर तुमने ऊंचा कर लिया है ना, इसे मैं झुका सकता हूँ। ये घर गृहस्थी का घूंघट है, इसे कोई नहीं छू सकता। ये घूंघट इस कलंकित माथे पर शोभा नहीं देता सीमा, एक बार मुरझा के फिर कभी नहीं खिलता। भगवान के चरणों में पड़ा हुआ फूल हमेशा खिला रहता है। प्रतिकार भगवान का स्वरूप होता है। ये परिणीता की सभ्यता किसी और को दिखा, ये शराबत का नाटक प्रकाश के साथ खेल मेरे साथ नहीं। आज मेरे अरमानों का खून तुम्हारी मांग का सिंदूर बना हुआ है, मैं इस रंग को मिटा सकता हूँ। ये नहीं मिट सकता, ये लक्ष्मण रेखा स्त्री की रक्षा करती है। जो इसके करीब आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। औरत की अस्मत एक अनवेही औरत से कहीं ज्यादा पास होता। हाथ लगा के दे, मैं तेरा खून पीऊंगी, लेकिन अपने मर्यादा का खून होने नहीं दूंगी। आज मैं बेटी ही नहीं बहू भी हूँ। आज मेरी इज्जत के साथ पति की इज्जत है, घर गृहस्थ की इज्जत है। दूर हो जा मेरे घर से, मैं तेरी गंदी छाया अपने मंदिर पर पड़ने नहीं दूंगी। आज अपने साथ उस केशु को भी ले जा जो मेरा नहीं तेरा बच्चा है। केशु, केशु मेरा बच्चा है। हाँ तेरा बच्चा है, तेरे कर्मों का फल, तेरे पाप की निशानी तेरा बच्चा है। मुझे मेरे घर को डसना चाहते हो, मैं तुम दोनों की गर्दन मरोड़ दूँ। अब वो एक प्यार कभी के प्यार को मिला नहीं सकता, मैं सारे दुनिया के प्यार को कुचल दूँ। दूर हो जा मेरे घर से, मेरे सामने से दूर हो जा। बच्चा है
ये हाल है तेरी माँ की जिंदगी ये सब सहने के लिए नहीं है। आज तुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। कहाँ ले जाओगे? बहुत दूर, कहाँ खुट खुट कर न जी पड़े, जहाँ इंसान इतना मजबूर न हो, जहाँ नफरत करने वाला कोई न हो, सभी प्यार करने वाले हो, सभी प्यार करने वाले हो। नहीं नहीं केजू, मेरे और तुम्हारे सिवा वहाँ कोई नहीं होगा। भाभी जी नहीं होंगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। केजू केजू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं भाभी के पास जाऊंगा। क्या तुम्हें की कोशिश कर, मैं किस मुंह से कुछ कहूं प्रकाश, आज हालात मुझे ऐसे मोड़ पर ले आए हैं कि मैं तुमसे आंख भी नहीं मिला सकती। एक अनजानी भूल करके नहीं, उनके आंसू भी आग निकली, दिन रात एक गीली लकड़ी की तरह से लगती रही। काश तुम्हें समझा पाऊं कि कई बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझसे जबान छीन लेता रहा। मुझे जिंदगी का ये दाग तुमसे छुपाना पड़ा, क्योंकि मुझे डर था कि इसे देखकर कहीं तुम तड़प ना उठो। दिन दिन मेरी मजबूरियां बढ़ती गई, हालत उलझते गई। एक भूल को छुपाकर मैंने दूसरी भूल कर ली। मैं इस वक्त दिल की तरह तुम्हारे कदमों में पड़ी, तुम्हें पूरा पूरा हक है प्रकाश, मुझे जो जी लिया है सजा दो, जो जी लिया है सजा दो। तो क्या मैं सजा के भी काबिल नहीं हूं? मैं सजा के भी काबिल नहीं हूं? तुमने मुझसे बहुत बड़ी नाइंसाफी की है सीमा, काश तुमने ये सब कुछ पहले बता दिया होता तो ये आग जिसमें तुम आज तक चलती रही हो इसकी आज भी तुम तक नहीं पहुंचने देता। तुम कितनी खुदगर्ज हो सीमा, तुमने प्यार बांटा, मुस्कुराहटें बांटी, लेकिन दर्द नहीं बांटा। प्रकाश प्रकाश मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। नहीं भैया जी, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया जी, मैं जा रहा हूँ, मुझसे भूल हो गई। किशु, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे पास रहोगे। सीमा, किशु से प्यार नहीं करोगी? Oh, my God.